बेगूसराय में बढ़ते आपराधिक घटनाओं एवं बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित व्यवसायियों ने शहर के नौरंगा पुल स्थित मेन सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आग जलाकर अपना विरोध जताते हुए आवाजाही को रोक दिया। घटना से आक्रोशित दुकानदारों ने भटवाड़े के सभी दुकान बंद कर सड़क पर उतर आए हैं। वहीं व्यवसायियों पर हुई गोलीबारी की घटना की खबर आते ही राष्ट्रीय जनता दल के कई प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष प्रीत से मिलकर घटना से स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने पटना से घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा है कि यदि अपराधियों पर कार्रवाई में कोताही बरती गई तो राजद पार्टी आगामी 30 जनवरी के बाद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, उप गुड्डू कुमार, महानगर जिलाध्यक्ष शिवजी महतो एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य करण पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। देखो नहीं होगा बस दबा बोला जाए देखो अभी अच्छा है तो इतना नहीं हो पाता है जो इसका फायदा है। काउंटर पर थे हम तीन आदमी, वो आदमी बाइक से आया, फायरिंग करना शुरू कर दिया, न यस बोला न नो बोला, फायरिंग दिया तो तीन आदमी को दागा अपना ही कर दिया। भीड़ जुटा तो भीड़ में जैसे मान लिया कि 10 आदमी है वहाँ, 100 आदमी घुस जाएगा तो पता नहीं चलता है। अब चोट लग जाएगा तो अपने देश संभालिएगा ना, उसको क्या देखना है। इसके बाद जो है दो आदमी को घायल हो गया, वो किशन का नवली जी का लड़का का, वो हमको हमला हॉस्पिटल में आए, लोग जुट गए वहाँ पर, लेकिन चिंत नहीं सके कि काहे आया और काहे मारा काहे गोली चलाया, क्योंकि हमको तो जमीन का उनके पास अति नहीं था जो गोली चलाते। हम लोग तो स्टाफ है, नौकरी करने वाला, 1,000-1,200 रुपये का महीना पर काम करने वाला आदमी, हम लोगों से क्या दोस्ती होगा, क्या दुश्मनी होगा, सभी तो पूंजीपति वाला नहीं ना है, मतलब नो वर्क नो पेमेंट, काम किए खाए, नहीं खाए नहीं काम किए। वो तो दो ही आदमी था, एक बाइक से था, एक आदमी पीछे सवार था, आगे जो बैठा हुआ था वो पीछे रखे हुआ था, जीन्स पैंट पहने हुआ था, पीछे रखे हुआ था रिवॉल्वर निकाला, धाए धाए चलाना शुरू किया, चलाया तो 4 तो 2 आदमी को लग चुका है, एक उनके बेटा के वो हमको, 2 एक राउंड ऊपर मारा, 1 और स्टाफ को चलाया जो उसको लगा नहीं, एक नंबर लड़का जो है मोहम्मद सलीम है स्टाफ उस पर लगा था लेकिन उसको घायल नहीं हुआ। और ये जो है आपको पीडी लाइट के आदमी 3-4 आदमी आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जो है से गरमुरिये उलट गए, उन पर फायर नहीं हुआ लेकिन गरमुरी आवाज हुआ तो उलट गया, बहुत भयंकर आवाज हुआ था। पलन में छठी यार, मेरा नाम हरि प्रसाद है, नंदलाल साह, स्थाई घर हो गया आपका पहाड़पुर पोस्ट लोरी थाना मनियारी जिला मुजफ्फरपुर, यहाँ रहते हैं पटेल चौक पर, सर्फी पान भंडार है उसी के मकान में किराया पर रहते हैं। प्रशासन के द्वारा अपराधी पर कोई लगाम नहीं है, अपराधी बेलगाम हो चुका है। बेगूसराय जिले में और खास करके जिले मुख्यालय में व्यवसायियों पर प्रत्येक दिन प्रहार हो रहा है, व्यवसायियों पर प्रत्येक दिन हमला किया जा रहा है, प्रत्येक दिन। इसी कड़ी में रात 7:30 नौरंगा पुल स्थित पॉपुलर हार्डवेयर एजेंसी के एक स्टाफ हैं हरि जी, और पॉपुलर के मालिक किशन किशोर को भी अपराधियों ने निशाना बनाया, निशाना बनाते हुए गोली मारने का काम किया, लूटने का काम किया। ये बेचारे इलाजरत हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं, जो भी अपराधी के द्वारा इस ढंग की घटना किया गया है उस अपराधियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने का काम करें, अन्यथा बाध होकर 30 के बाद जो जिले में आपराधिक घटना घट रही है इसके विरोध, प्रशासन के विरोध, हम 30 के बाद विशाल धरना देने का काम करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पॉपुलर दुकान पे वहाँ के जो मालिक हैं किशन प्रसाद तथा मुंशी हरी साहब को गोली मार दी गई और गोली मार के घायल भी किया गया, एक को रेफर किया गया है पटना किशन जी को, और हरी साह जी से मैं अभी हम लोग हमारे राजद राष्ट्रीय जनता दल के कमेटी, हमारे अध्यक्ष जी मोहित यादव जी, नगर अध्यक्ष शिवजी प्रसाद जी,
तथा मैं करण पटेल जी तथा मैं स्वयं यहाँ आया और हरि प्रसाद जी का हालचाल लिया। उनके द्वारा बताया गया कि अपराधी कल 7:30 बजे आए, लगभग 7:30 बजे, और अपराधी आके हम लोग पर सीधे फायर करना स्टार्ट कर दिए। लगभग 4 राउंड गोली चली, जिसमें 2 मालिक, एक मालिक किशन प्रसाद को, एक हरि प्रसाद साहब जी को, और एक गोली हवा में फायर की गई और एक गोली एक मौलवी साहब स्टाफ थे उन पर लगा, मैंने उन पर फायर किया गया, लेकिन वो बच गए। इस प्रकार की घटना जिले में लगातार हो रही है अपराधियों के द्वारा। मैं पूर्व से भी मांग करते आया हूँ और अभी भी मांग कर रहा हूँ जिला प्रशासन से, जिला कप्तान से, कि जितने भी बाजार हैं सभी जगह CCTV कैमरा चौक चौराहे पे बीच पे लगाया जाए, ताकि अपराधी किधर से भाग रहे हैं, अपराधी किस वेशभूषा में है, अपराधी का पता लगाया जा सके। मांग भी है कि जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ा जाए, नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा भी घोषणा की गई है 30 तारीख के बाद इस अपराध के खिलाफ एक बैठक की जाएगी और आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। राजीव कुमार गुप्ता, वेबसाइट पर पोस्ट, बेगूसराय जिला। ये आज एक घटना नहीं है, इसके रात जो घटना होने के इसके 5 दिन पहले भी टाउन हॉल के एक दुकान में भी सवेरे दुकान खोलते के साथ गोली मार के लोग चले गए, जो कि एक चौराहा है, दो चौराहा बीच में है। एक तरफ SP महोदय कहते हैं हम सिविल ड्रेस में पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, जगह जगह CCTV कैमरा लगा रहे हैं, अनेक तरह की बात कर रहे हैं। जब जब SP साहब या मुख्यमंत्री हमारे अथी करते हैं, पुलिस की बैठक करते हैं, उस महीना में अवश्य घटना, और एक घटना नहीं, प्रत्येक बेगूसराय जिला में 1-2 घटना डेली होती है। कल जो नरंगा पुल पर अलग हुआ और एक तेघरा अंतर्गत हुआ, जो बरियारपुर गांव है, वहां भी घटना हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों घटना में वृद्धि हो रही है। कोई पुलिस का खोपे नहीं है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि जब से हमारे संसद नए आए हैं और घटना की वृद्धि हुई है। आसानिया हमारे संसद थे तो एक लगाम थी, ये खुली हम बोल रहे हैं कि आज तो घटना ऐसे क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें फेल है। मुख्यमंत्री को आप ऐसी करें, अनुरोध करें कि अच्छे प्रशासन के यहाँ दृष्टिकोण चलावे। मेरा नाम है सिद्धी मातो, जिला अध्यक्ष महानगर बेगूसराय। जो घटना हुआ पॉपुलर एजेंसी पर, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हों।